यार स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हैं और एक अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हो। अभी जब भी मैं जिम जाता हूँ, जिम में मैं बस ऐसी खाली हाथ नहीं आता। जिम के लिए मेरे पास काफ़ी चीज़ें होती है, जैसे कैमरा हो गया, ट्राईपॉड हो गया, मेरा फ़ोन हो गया, कुछ डेटा केबल्स हो गई, इवन कई बार लैपटॉप भी मैं कैरी करता हूँ। तो काफ़ी चीज़ें होती है एंड ये जो काफ़ी सारी चीज़ें होती है पैक नहीं रहती है। अब इन चीज़ों को मैं इसलिए ले आता हूँ ताकि इन चीज़ों को मैं यूज़ कर सकूँ, और अगर मैं इन चीज़ों को यूज़ करूँगा तो ये सारी की सारी चीज़ें बैग से बाहर निकलेगी, राइट। और मैं एक अकेला बंदा हूँ जो सारी चीज़ें करता हूँ, जैसे कि आप सभी को पता है, अगर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ तो वर्कआउट के टाइम पे मैं खुद को ही शूट करता हूँ। ऐसा कोई नहीं है मेरी लाइफ में कि मतलब चीज़ों को समेट सके, मेरी हेल्प कर सके वहाँ पे, राइट। सो ये वाला बैग जिसको मैं जिम में और ऑफिस में हमेशा कैरी करता हूँ, ये वाला जो पॉकेट है, राइट, तो वाला ये छोटा वाला पॉकेट होता है, इस पॉकेट के अंदर मैं अक्सर अपना फ़ोन रखता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम जो भी मेरे पैंट्स होते हैं वो लूज़ फिट होते हैं। तो अभी कुछ टाइम से मैं ये वाले पैंट्स यूज़ कर रहा था, ये कार्गो है बेसिकली। सो कार्गो में क्या होता है, आप उसका पॉकेट का साइज चेक करोगे ना तो काफ़ी डीप होता है, राइट। बट इतना डीप होने के बावजूद भी मैं हमेशा थोड़ा और ध्यान देता हूँ, राइट, एक कदम और आगे चलता हूँ हमेशा हमेशा और हमेशा। ये जो बैग का जो पहला चेन का कंपार्टमेंट है ये वाला, इसमें डाल के रखता हूँ। सो व्हाट हैपेंड यस्टरडे ट्यूसडे वाले शिफ्ट में, अभी ये जो मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ ये वेंसडे की रात हो रखी है अभी, एंड पूरे वीक में स्पेशली ट्यूसडे में जो मेरा ऑफिस होता है वो 6:30 से स्टार्ट होता है, 6:30 till 3:30। मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, मेरे को रियलाइज ही नहीं है कि 5:30 हो चुके हैं। ऑफिस की शिफ्ट जब स्टार्ट होती है उससे कुछ एक घंटा पहले जिम से बाहर निकलना पड़ता है, तो मेरे को रियलाइज ही नहीं हुआ कि आज ट्यूसडे है। मैंने कल के दिन को ट्यूसडे कंसिडर ही नहीं करा, और एनी हाउ मैं वर्कआउट करता रहा, बट मेरे को एक बंदे ने पिंच करा क्योंकि वो मेरे व्लॉग्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करता है। उसने कहा था भैया आज ट्यूसडे है, आज आपको जल्दी निकलना है, एंड इट वॉज ऑलमोस्ट 6:45 जिम के अंदर। तो मैंने फटाफट से अपना सारा का सारा रैपअप करा, पैकअप करा, बट कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं भूल गया जो कि मेरा फ़ोन था। उस बंदे ने मेरे को बोला भैया आपका फ़ोन छूट गया। तो क्या हुआ, मैंने रिसेंटली अभी एक और जॉगर ऑर्डर करी थी, ये वाली वो जॉगर है। तो ये जो जॉगर है ये जॉगर है, राइट, ये कार्गो नहीं है, तो इसमें कुछ जिप वाला सीन भी नहीं है। वो वाला जो रूटीन होता है फ़ोन को बैक के फर्स्ट कंपार्टमेंट रखने का, वो तबाह हो गया, राइट। मैंने जाते जाते मैंने नई जॉगर पहनी हुई थी, इसके अंदर फ़ोन रखा और मैं निकल गया। मैं जिम से ऑफिस के लिए निकला, एंड कहीं पता नहीं कहीं, राइट, मे बी समवेयर अराउंड इंदिरापुरम या वसुंधरा या आई डोंट नो कहाँ, मेरा फ़ोन वो कहीं गिर गया, एंड ऑफिस में जाके मुझे पता लगता है कि मेरा फ़ोन गायब हो चुका है। उसके अंदर बहुत सारी मेमोरीज थी, एंड वो सारी जो फोटोज़ थी वो ड्राइव में भी कहीं सेव नहीं थी, क्योंकि मेरी ड्राइव ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भर गई थी, एंड बहुत सारी मेमोरीज थी। यार ये कांड हो गया। यार इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं अपने रूटीन में एक चेंज लाना चाहता हूँ, चाहे मैं बहुत ज़्यादा क्यों ना थका हूँ। उसका एक एडवांटेज भी है, उसका एक डिसएडवांटेज भी है। चलो पहले एडवांटेज बताता हूँ। एडवांटेज ये होगा कि ऑल ओवर द शिफ्ट जो भी मैं खाना खाऊंगा, यू नो, जो भी क्लीन डाइट मैं लेता ही हूँ, चाहे वो सोया चंक्स लेता हूँ, चाहे वो एग्स लेता हूँ, चाहे वो चिकन लेता हूँ, उन सबको खाने के बाद, राइट, मैं वर्कआउट करूंगा तो पूरे रात जो मैंने खाया पिया है वो मेरे को अच्छी कैलोरीज देगा, और मैं जब जिम कर रहा तो बहुत ज़्यादा कंप्लीटेड फील कर रहा। डिसएडवांटेज इज दैट पूरी रात गधों की तरह काम करने के बाद, राइट, सुबह आपके मूड स्विंग्स नहीं बनते हैं जिम करने के, राइट। आपको लिटरली बिस्तर चाहिए होता है, या आपको लिटरली बेड चाहिए होता है कि आप बस सो जाओ। तो यस, ये वाला डिसएडवांटेज है। फ़ोन वाला जो कांड हुआ इसीलिए हुआ क्योंकि मेरी जो सोके उठने के बाद का जो रूटीन है वो बहुत ज़्यादा मैसी है, क्योंकि मेरे को जिम भी जाना पड़ता है, फिर जिम के तुरंत बाद ऑफिस जाना पड़ता है, जिम और ऑफिस के बीच में एक मील भी लेना पड़ता है मेरे को। यस, अब मैंने डिसाइड करा है कि इस वाली सिचुएशन से निकलने के लिए मेरे को मॉर्निंग में जिम ज्वाइन करना पड़ेगा। यस, थोड़ा डेंजरस है सुबह जिम ज्वाइन करना पूरी रात भर ऑफिस काम करने के बाद, बट करना पड़ेगा। ऐसा जब भी फ़ोन खोता है तो उसके बाद के क्या क्या इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं जो हमें करने होते हैं। अभी FIR मैंने नहीं कराई है, अभी फ़ोन में देखो काफ़ी कुछ होता है, फ़ोन पे UPI ये सब होता है, राइट। सो सबसे पहले अभी मैं ऐसे ही टहलने गया था, रात की मैंने शिफ्ट करी अफसोस में, राइट, बिना फ़ोन के करी थी। मैं लिटरली अपना पर्स ले गया था, अनडाउटेडली मेरे पर्स में इतने पैसे नहीं रहते, बट कल पता नहीं क्यों थे पैसे, क्योंकि मैं पूरा का पूरा अपने फ़ोन पे रिलाया, फ़ोन के अंदर फ़ोन पे होता है, UPI होता है, ये सब चीज़ें होती है। तो यस, मैं सारी ट्रांजैक्शंस अपनी जो होती है फ़ोन से ही करता हूँ, तो फ़ोन नहीं था तो मेरे को लिटरली ऐसा लगा, बट कहीं ना कहीं वॉलेट ने मेरा थोड़ा काम चल गया। उसी दौरान मेरे को थॉट आया कि फ़ोन पे से जो भी कनेक्टेड है मेरा बैंक, उस बैंक से मैं सारे पैसे निकाल लूँ ताकि कोई ट्रेजेडी ना हो जाए। सो अभी मेरा लिटरली जो पर्स है वो बंद भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो बैंक मेरे को खाली करना ही पड़ गया। हालांकि 2-3 अकाउंट हैं, ये सारे के सारे मतलब पैसे मैंने निकाले, और मेरा वॉलेट भी कह रहा था कि भाई बख्श दे मुझे, इतना ओवरलोड मत कर। ये क्या होता है, एक फ़ोन ही तो खोया है, बट मैं ना थोड़ा मेमोरीज वाला आदमी हूँ, राइट, थोड़ा मेमोरी कंजर्व करने वाला, क्योंकि
टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जब मैंने अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी मैंने उसी फ़ोन से करी थी। मैंने स्टार्टिंग के कुछ 5 से 6 व्लॉग मैंने उसी फ़ोन से व्लॉग करे थे, तो उस फ़ोन से मेरी मेमोरी थी। अगर वो फ़ोन सच में अगर किसी रीज़न से ख़राब भी हो जाता तो जिस तरीके से मैंने अपने शूज़ पैक करे हैं, 75 हार्ड चैलेंज वाले वाइट कलर के शूज़ जो मैंने पैक करे हैं उस अलमीरा में, मैं एक लूप में घुस जाता हूँ। एंड वो मेमोरीज जो 10 साल पहले वाली भी होती है, चाहे 15 साल पहले वाली भी होती है, चाहे 5 साल पहले या 5 दिन पहले वाली भी कोई मेमोरी होती है, मैं दिन के कुछ क्षण राइट उन सारी मेमोरीज़ को रिलीव कर रहा होता हूँ। कोई भी कॉल आते हैं, अगर फ़ोन होता तो मैं आपको दिखाता, मेरे को 1400 वाले नंबर से, वो जो कंपनी के नंबर होते हैं उन्हीं नंबरों से फ़ोन आते हैं, मेरे को किसी के फ़ोन नहीं आते। सोशली कनेक्शंस कम करे हुए हैं यार, सच ही बोल देता हूँ, मतलब किसी को मैं पसंद नहीं आता, क्योंकि लोग मुझे अप्रोच कर करके थक चुके हैं। ठीक है, मैंने अपने लाइफ में कुछ गोल्स बनाए हुए, यू नो सो कॉल जो बातें होती है, मैं थोड़ा रिजिड हूँ अपने रूटीन्स को लेकर। ठीक है, वर्कआउट कर रहे हो, आपको अच्छी अच्छी फिजिक चाहिए, आपको अच्छी बॉडी चाहिए, तो डेफिनेटली कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है, राइट। इट्स नॉट लाइक कि 4 हफ्ते जिम गए, ठीक है, खा लिया। इट्स नॉट लाइक कि जिम कर रहे हो, सैटरडे संडे भी क्या बोलते हैं, तुम्हारा पिज़्ज़ा चल रहा है, बर्गर चल रहा है, कुछ भी चल रहा नहीं। इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ न्यू आइडेंटिटी। ऐसा भी नहीं कि कोई गर्लफ्रेंड है कि मेरे को लिटरली अभी ऐसा लग रहा है कि यार उसने व्हाट्सएप में मेरे को क्या मैसेज करा हुआ है या इंस्टा में मेरे को किसी ने कोई मैसेज करा होगा, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई लड़की नहीं है, सो कोई ऐसे कनेक्शन मैंने पाल नहीं रखे हैं। मैं लिटरली पागल हो जाऊँ कि माई गॉड is my phone, I need my phone, talk to me, somebody talk to me, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कि जिन लोगों को मैं literally like करता हूँ, जो लोग मेरी life में matter करते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, right? So it's just that. सो गाइज, जैसे कि आज वीक ऑफ है तो वीक ऑफ को मैं ऐसे ही मतलब सेलिब्रेट करता हूँ, अपने सोसाइटी में ही रहता हूँ, यू नो जो चीज़ चाहिए राइट वो ले आता हूँ। ये कुछ अंगूर ले आया था मैं, सो इट्स मेरे फ्रिज का 3rd कंपार्टमेंट, एंड तरबूज तो मैंडेटरी है ही, तरबूज ले आया था, पूरा 4 किलो का है, ये देख सकते हैं, मस्त तरबूज भाई साहब, ये देखो, ये मैंने यहाँ पे इसको एडजस्ट कर दिया था। और यार कटहल मुझे बहुत पसंद है, 3 चीज़ें होती है, अच्छा, बहुत अच्छा और सर्वश्रेष्ठ। तो मम्मी जो कटहल होता है राइट, वो सर्वश्रेष्ठ बनाती है, बहुत टेस्टी बनाती है। सो मेरे को ऐसा लगा कि मैं कटहल भी ले आऊँ, तो ये 3 चीज़ें मैं लाया था। गैस थोड़ा सा गंदा पड़ा हुआ है, साफ़ कर लेते हैं, चलो। कभी कभी छूट जाता है गाइस, क्योंकि जो मम्मी होती है ना वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा काम करती है। नाश्ता हो गया आपका, लंच हो गया, डिनर हो गया, राइट, सारा करती है, घर में मेंबर्स के कपड़े धोती है, मतलब क्या क्या नहीं करती, राइट। तो कोई चीज़ अगर तुम्हें दिख जाए कभी कि वो शायद भूल गई हैं करना, वो चीज़ जो शायद तुम कर सकते हो या तुम करने के लायक हो, तो कभी भी उस सेकंड में वो थॉट मत लाना कि तुम लड़का हो या आदमी हो और यू नो तुम ये काम नहीं कर सकते। एक मर्द सारे काम कर सकता है। मम्मी है जो है ना, बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। उस लड़की ने भी कभी तुम्हें इतना नोटिस नहीं करा होगा, तुम्हारी एक्टिविटीज़ को इतना नोटिस नहीं करा होगा जितना नोटिस तुम्हारी माँ करती है, तुम्हारी चाहे शक्ल कैसी भी हो। ठीक है, तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखो, कोई भी चीज़ अगर छूट जाए गलती से घर में तो वो करो, बाकी ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे घर का कैसा कल्चर है, तुम्हारे घर का कैसा ट्रेडिशन है। ऑलराइट गाइस, पूरे चूल्हे की साफ़ सफाई हो चुकी है, अब जरा मुकुट बना लेते हैं, क्योंकि अब से क्या, आज से ही अपने जिम के शेड्यूल में चेंज चाहता हूँ, एंड आज से मॉर्निंग में जिम स्टार्ट है। सो 5:30 बजे का व्यू इस खिड़की से, 5:30 बजे का व्यू इस दरवाजे से, एंड ये फ्रिज खुला है, एंड ये है 3rd कंपार्टमेंट। इससे फटाफट से तरबूज निकालेंगे, तरबूज खाएंगे, एंड फिर निकलेंगे जिम। एंड गाइस, घर का एक ऐसा एरिया राइट जिसको हम मिनी रिसेप्शन में बोलते हैं, यहाँ की लाइटनिंग अच्छी है, आज हवा भी फॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा प्यारी चल रही है, बाकी सारा जो हिस्सा ये घर वालों के लिए। एंड ये जैसे कपड़े उतार के मैं अजीब लग रहा हूँ, वैसे ही देखो इसके कपड़े उतार के, आई मीन ये कैसा लगेगा। ये तरबूज एक्चुअल में बहुत बड़ा था, 4 किलो का पीस था। अभी देखो मैंने इसका पीछे का पार्ट ही निकाला है, अभी मैंने तरबूज का लिटरली पीछे वाला पार्ट काटा, एंड अभी भी देख सकते हो इतना सारा तरबूज बाकी है, एंड
पीछे वाले पार्ट ने देखो पूरी पूरी थाली भर दी ऑलमोस्ट। सो जूसी यार, तभी मेरे को यार ये वाला फ्रूट बहुत ज्यादा पसंद है। एंड इसमें नेचुरली ई डबल ए भी होता है, तो यस थोड़ा सो गाइस यस तरबूज खा लिए एंड सुबह हो चुकी है और अभी आप देख सकते हैं सनराइज ब्यूटीफुल। इस टाइम लिटरली नींद में हूँ क्योंकि पूरी रात भर उठा हुआ था, एडिटिंग कर रहा था। एपिसोड 13 का आधा व्लॉग मैंने एडिट ऑलरेडी कर दिया, तो अभी नींद है। अभी जिम जाने का लिटरली मन नहीं कर रहा क्योंकि ये सोने का टाइम होता है मेरा यूजुअली, बट इस वाइब को काटना है और जिम जाना है ताकि डेली के डेली ये वाला रूटीन मैं फॉलो कर सकूँ। सो लेट्स गो। सो गाइस मॉर्निंग में यूजुअली आप सभी को पता है वर्कआउट नहीं करता हूँ, एंड दिस इज ऑल टुगेदर अ न्यूली एक्सपीरियंस। कुछ काफ़ी महीनों बाद कुछ इस तरीके का व्यू है। दिस इज एक्चुअली हमारा जो जिम है, जो वेट लिफ्टिंग वाला एरिया है, दैट इज एक्चुअली एट द चर्च रो, एंड लेट्स गो। तो गाइस अलग अलग फॉर्टे होते हैं राइट, कोई बहुत हैवी लिफ्टिंग करता है, दैट वी कॉल पावर लिफ्टिंग या वेरी ऑब्वियस। सो ना इधर देखना ना उधर देखना है, कोई कितना भी वेट उठा रहा है, हमने जो पैटर्न सेट करा हुआ वही करना है। अभी 25 के डंबल लेंगे एंड 6 से 7 रैप भी निकलते हैं तो भी बहुत है मेरे लिए, ज़्यादा भी निकल सकते हैं, अपने आप को डिफेंड करने के लिए बोल रहे हैं। यार 25 के 6 रेप्स टारगेट करे थे यार, 10 11 आ गए थे, अभी गिने नहीं है, घर जाके गिनूंगा जब ये वाली वीडियो एक्सपोर्ट करूंगा। अभी 30 का अटेम्प्ट लेते हैं, 30 से लेट्स सी कितने आ पाते हैं। खुशी बस इस चीज़ की कि फेलियर गया है और प्रॉपर डेथ ली है, डेथ अच्छी गई है, खुद ही फील हो जाता है कि आपने डेथ अच्छी ली है कि नहीं ली है। गाइस यही है इंसान, अभी 30 के भी 7 रुपए पा गए थे तो अब थोड़ा लालच आ गया, अब 35 से ट्राई करते हैं। कम इसलिए करते हैं क्योंकि यार थोड़ा ना डेफिसिट से भी उभरे हैं, इतनी अच्छी स्ट्रेंथ नहीं बनी, बट इस स्ट्रेंथ को दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं। 35 से देखते हैं कितने निकलते हैं, ठीक है ना। चलो चार रुपए पाए हैं क्वालिटी वाइज, बट डेप्थ अच्छी आई है। 5 रुपए पाए गाइस।
गर्मी इज गोइंग ऑन एंड सूरज की किरण आप देख सकते हैं इस बीच की दरार से मस्त ट्रेडमिल में आती हुई और मेरे फेस में आती हुई। मॉर्निंग के पहले सेशन में आई बर्न्ड अराउंड 88 कैलोरीज राइट। आई एम प्रीटी डन विद दैट बिकॉज नींद आ रही है अभी, एक दिन में सारे डिफरेंसेस नहीं आते हैं। अभी चेंजिंग रूम में जाने इज मैंडेटरी बिकॉज आप देख ही सकते क्या हालत हो चुकी है, पूरा पसीना पसीना हो चुका है। एंड जिस फटाउट से अंडरशर्ट को चेंज करते हैं, टी शर्ट पहनते हैं एंड लेट्स से नारियल पानी वगैरह। आज के सेशन के ना बेस्ट पार्ट ज़्यादा थे, ठीक है, मतलब हाँ थोड़ी प्रॉब्लम हुई, नींद आ रही थी, नींद आँखों में थी, बट कहीं ना कहीं मतलब मज़ा आ गया ब्रो। द थिंग इज़ दैट कि जब मैं शाम को वर्कआउट कर रहा था, शाम को 4:30 बजे के आसपास मैं घर से निकलता था, वहाँ पे फिर जैसे ही मैं अपना वेट ट्रेनिंग ख़त्म करता था तो 6:15 बज जाते थे, और उस चीज़ की वजह से मैक्सिमम टाइम राइट मैं कार्डियो नहीं कर पाता था और कार्डियो स्किप होता था। एंड यार अब गर्मी आ गई है, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है राइट, एंड तुम बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल ज़्यादा वेटी हो रखी हो, तुम बिल्कुल गीले हो रखे हो यार एक्सरसाइज के बाद राइट। एंड उस कंडीशन में ऑफिस जाना और ऑफिस में पूरे टाइम 10 घंटे तक उस गीलेपन के साथ रहना राइट, पूरी बॉडी तुम्हारी स्वेटी हो रखी है एंड लाइक यू आर गोइंग टू द ऑफिस। ऑल दो यार कि क्या बोलते हो तुम, ऑफिस पूरे गीले हो गए यार, कपड़े पहने हुए एंड बहुत अजीब सा लगता है, खुद को अजीब सा लगने लग गया था एक दो दिनों से। इस शेड्यूल को चेंज करने के इसलिए बहुत सारे रीज़न है, एक तो कार्डियो के लिए अच्छा खासा टाइम निकल पाएगा मॉर्निंग में। अभी फटाफट से मैं नारियल पानी पीता हूँ, यार लगाइए एक बढ़िया सा ना, बोलने की जरूरत नहीं आ रही, मेरे को बढ़िया ही देते हैं भाई। नारियल पानी आ गया, नारियल पानी पी लो गाइस। जिंदगी के सारे तरीके के ऑर्गेजम एक तरफ, ये नारियल पानी पीने के बाद जो ऑर्गेजम मिलता है, मतलब तृप्ति मिलती है राइट, तृप्ति मिली यार, जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो एक तरफ। यार अभी एक और पीने का मन कर रहा है, एक और बनवाएंगे यार, एक और दे यार, वही ऐसे ही बिल्कुल बढ़िया सा, इतनी मिठास देना इसमें मेरा वाला ही है ना भाई। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये तो मैं दिखाता हूँ भाई, इतना ज़्यादा भरा हुआ है, पानी लीक हो रहा है, इससे पहले ये वेस्ट हो गाइस, आपको आप देखो कितना ज़्यादा पानी भरा है भाई, इसमें भाई सब ख़त्म ही नहीं हो रहा है। पता है क्या, जस्ट अभी थॉट आया, मैं 2 नारियल पानी ऑलमोस्ट पी चुका हूँ एंड मुझे भी मतलब फ़ोन की ऐसे याद पड़ गई कि फ़ोन है तो ठीक है, यू कैन गो एंड लाइक डू फोन पे एंड ऑल दैट। आप सभी को कल ही फ़ोन चोरी हुआ है, जिसकी ये शॉप है उसका छोटा भाई बैठा हुआ है एंड मैं उससे बोलने वाला हूँ कि भाई मेरे पे पैसे नहीं पड़े हुए एंड आई वाज सो रिलाइड कि मेरे पास शायद फ़ोन पड़ा हुआ है। मतलब होता नहीं कि मतलब तुम ऐसे ही आ जाते हो चल के कि फ़ोन पड़ा हुआ है तो पैसे कर लोगे, मेरे को जस्ट अभी याद आया कि यार कल मेरा फ़ोन चोरी हो गया था एंड मेरे पे पैसे नहीं पड़े हुए, मैं 2 नारियल पानी पी चुका हूँ भाई। मैं तेरे को पैसे दूँ क्या थोड़ी देर बाद, हैं पता पता कल क्या हुआ, मेरा ना फ़ोन चोरी हो गया भाई, वॉलेट रखना भूले, वॉलेट भी घर में रह गया, फ़ोन में चोरी हो गया, ऐसे यार चौड़े में आए 2 नारियल पानी, एक ऑर्डर करा दूसरा ऑर्डर करा एंड अभी जैसे ख़त्म हुआ मैं निकल रहा चल पैसे करता हूँ, फ़ोन निकाला यार फ़ोन तो है नहीं, फ़ोन चोरी हो गया, खासी बीटी होगी, भाई भी कह रहा होगा कि भाई क्या आदमी है 2 नारियल पानी मिल गया, बड़ा नहीं वैसे भाई को कर दूंगा, अभी फटाफट से घर निकलता हूँ यार एंड लेट्स हैव सम प्रोटीन गाइस। चीला सिर्फ मैं एक शर्ट में खाऊंगा, मुझे पहले ये बताओ ये जो चीला बनाया आपने ये घी में बनाया है कि तेल में बनाया है? ये असल में तो घी में बना हुआ, ठीक है, और किसका चीला है पता, मूंग बोड़ा छिलका और थोड़ा बहुत राइस और अनियन इसके अंदर फिल है। इस चीले को मैं खा सकता हूँ मतलब? बिल्कुल खा सकता है, फुल हाइजीनिक और इसमें कुछ भी ऐसा ऑयल फ्री है, ऐसा कुछ नहीं है, नॉन स्टिक में बना हुआ देख ले, और थोड़ा बहुत घी होगा तो घी है। हाँ घी तो मैं खा सकता हूँ थोड़ा बहुत, इतना परहेज कर रहा हूँ थोड़ा घी तो चलता है। बनाया आपने कहीं रिफाइंड में छोंक दिया हो? रिफाइंड हमारे आता ही नहीं पता है ना हम, यह तो हमारे सरसों का तेल होता है, हम रिफाइंड तो ऑलरेडी उसको पहले अवॉइड करते हैं। वो बस मैं ऐसे ही बोल रहा था, आई नो दैट, मैं किचन में जाता हूँ। एंड यू डोंट नो दिस थिंग कि रात को मैं किचन में क्या क्या कारनामे करता हूँ, तो मुझे वहाँ पे पता है कौन कौन से ऑयल रखे हुए, क्या क्या रखा हुआ, आई नो दैट। है ना
यार सीरियसली में मजा आ गया चिल्ला खा के। क्या है सीक्रेट रेसिपी, क्या है सीक्रेट इंग्रेडिएंट, क्या क्या फिल करा है? अनियन तो आया है मेरे मुंह के अंदर, अनियन डाला है हल्का सा मैंने, और मिक्स वेज भी सारे उसमें गार्निश किए हैं, और इसमें है गार्लिक का पेस्ट भी मिक्स है इसमें। गाइस मज़ा आ गया, स्वाद बन गया कसम से। माँ के हाथों माँ के हाथ ही होते हैं, कुछ भी करो, क्या भी खा लो, क्या भी पी लो, कहीं भी तुम बाहर कुछ भी खा लो, राइट, माँ के हाथ का जो टेस्ट होता है माँ के हाथ का टेस्ट होता है। सो यस, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर मदर। सो यस यार, मैं ये नहीं बोलने वाला कि लाइक करो, क्योंकि यार फ़ोन चोरी हो गया, मतलब मत करना मत, इस वीडियो को लाइक। हाँ चोरी यार, किसी को ब्लेम क्यों करना है, मैंने खो गया, मैंने खो दिया, ठीक है, किसी को क्यों ब्लेम करना, मैं खुद को ब्लेम कर रहा हूँ यहाँ पे। सो यस लाइक मत करो, मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, बाय बाय।